मेरे भाई, सुन्नत को देखना है हमको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ सुने, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में फजर में आए और देखा कुछ पत्ते और घन पड़ी है। कहा कि वो आज झाड़ू देने वाली नहीं है, एक औरत थी जो मस्जिद की खिदमत किया करती थी। तो कहा वो जो औरत रोज़ झाड़ू देती आकर मस्जिद की, आज नहीं आई, एक हफ्सी औरत थी, गुलाम थी, लेकिन उसको मस्जिद का ख्याल था, रोज़ सफाई करती थी मस्जिद की आकर। कहा वो औरत नहीं आई, तो आपको बताया गया और कहा गया अल्लाह के रसूल कल रात उस औरत का जो है इंतकाल हो गया है। और इंतकाल हो गया उस औरत का, आपने कहा तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहा अल्लाह के रसूल हमने सोचा कि आपको क्यों डिस्टर्ब करना, तकलीफ होंगी, लिहाजा हमने तदफीन कर दी। आपने कहा कहाँ दफना है, चलो मुझे लेकर। तो कहा यहाँ दफना है। सहाबा पीछे चले, आप आए, उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसमें शामिल थे, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए, कब्रस्तान में आए, कब्र के सामने खड़े हुए और आपने तकबीर बांधी और सहाबा पीछे खड़े हो गए जमात नमाज के लिए। उसके बाद वो फरमाते हैं उस्मान, अल्लाह के रसूल सामने नमाज पढ़ी और इतनी दुआ की, इतनी दुआ की इस औरत के लिए कि मैं अपने दिल में सोच लिया काश इस औरत के बदले मैं मर जाता और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए इतनी दुआ कर, इतनी दुआ की इस औरत की, क्योंकि वो मस्जिद की खिदमत किया करती थी। इससे पता चला मस्जिद की खिदमत करने वालों को अल्लाह के रसूल ने बड़ा मुकाम दिया। दुआएं की उसकी, इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं, क्योंकि वो फ्री सर्विस देती थी मस्जिद को आकर, रोज सफाई करती थी उसकी। तो आप सामने नमाज पढ़ी ना, हालांकि उसकी जनाजे की नमाज हो चुकी थी, सहाबा ने रात में जनाजे की नमाज पढ़ के उसको तदफीन किया था, तब भी आपने पढ़ी। तो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके शहर आया, इंतकाल की खबर मिली और मैं आया आपसे मिलने इंतकाल के लिए, लेकिन तदफीन आप कर चुके थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? हाल की बात है, ये नहीं कि एक साल बाद आप जाकर, हाल में हुआ, बस मैं निकला, बम्बई से निकला औरंगाबाद आया, लेकिन तदफीन कर की जा चुकी, अब मैं पहुँचा तो कब्रस्तान में पहुँचा, तो मैं वहाँ जमात बना सकता हूँ। और चूँकि जनाजे की नमाज़ें कब्रस्तान में हो सकती है, खबरों के बीच में नमाज नहीं होंगी, याद रखिए, आपने बोला खबरों के बीच में नमाज मत पढ़ा करो, जैसा कि आप जाएंगे और पूरी खबरें और बीच में सफ़े बना दी खबरों पर, नहीं, वो तो मना है, एक फिर अकेला पढ़ेंगे आदमी एक खबर पर जाके, क्योंकि सफ़े बनाएंगे तो खबरों पर खड़े हो जाएंगे ना लोग, वो दुरुस्त नहीं होगा। और नमाज के जो उसूल हैं, क़िबले रुख, वो सब वहाँ लागू रहेंगे, याद रखिए।